पुलिस मेंस एसोसिएशन झारखंड प्रदेश के और यहां पर बिल्कुल झटका दे दिया है। जी हां, क्या शानदार तालमेल दिखाई वहां पर रोहन की, ये क्रॉस आता हुआ फिर से और सीधा गोल। मैं यही चीज बता रहा था, जब ये टीम फाइनल पे पहुंचती है तो बिल्कुल करना चाहेंगे कि अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें अपने आशीर्वचनों से। और यहां पर चौथा गोल, रोहन शानदार भोली, जर्सी नंबर 1 में आप देख रहे हैं रोहन को। तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोनों टीमों के लिए। नेकॉन एंड जेजेसी चूटू, ये तीसरा एडिशन है महाराजा मदरामुंडा चैंपियन ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच आप देखेंगे दोनों टीमों के बीच। अभिवादन कीजिए तालियों के साथ। सफरुद्दीन चाचा हम लोगों के बीच में उपस्थित है, उनको भी हम प्रेम किशोर मचो जी से आग्रह करेंगे कि सोलोड़ा के सम्मानित करें सफरुद्दीन चाचा हमारे केदल से। ये देखिए मैत्रीपूर्ण भाव दोनों टीमों के बीच और कुछ ही क्षणों के बाद फाइट स्टार्ट हो जाएगा, धमाल। आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि सभी लोग खड़े हो जाएं। महाराजा मांदरा मुंडा के स्टेडियम में जितने लोग भी हैं, आग्रह होगा, अनुरोध होगा। आगे दिनेश जी, जैसा कि मैं कह रहा था, एक टीम ऐसी टीम है जिसके पास कोई अभाव नहीं है और एक टीम है जो अभाव में प्रभाव दिखा रही है और वो है चुटू, ललकार रही है रांची फुटबॉल की डॉन मेकॉन को। जी हाँ, ये बड़ी ललकार है। हालांकि मेकॉन एक ऐसी टीम है जो फाइनल में हुंकार भरती है, पिछली बार उन्होंने दिखा दिया अपना दमखम, इस टूर्नामेंट की विजेता रही है और 3-1 से खेल पाएंगे बाघम शंकर। देखना होगा आज क्या होता है, जूनियर मुन्ना कमाल करेंगे या मेकॉन वाले धमाल करेंगे। एक कहेंगे एक उपलब्धि, एक खोज है जूनियर मुन्ना इस टूर्नामेंट की, कहां था ये। और विसिल लग चुकी है, बागम ने बॉल को बढ़ा दिया है अपने साथी खिलाड़ी टीम के कैप्टन उपेंद्र हजाम को, बॉल आई है रोहित तिग्गा के पास। रूनी ने बॉल को बढ़ाया था लेकिन यहां पर मिस पास जरूर हुआ था, बागम ने बीच में आकर बॉल को अपने नियंत्रण में लिया और फिर से बढ़ा दिया अपने कैप्टन के लिए। रेहान का क्लियरेंस, जूनियर मुन्ना बीच में बॉल को, दीपक तिर्की बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है और बिल्कुल इस टीम में आकर टीम को बैलेंस कर दिया, गलत पास कर बैठे यहाँ पर रोहित, बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। अरुण ने बॉल को स्वागत, जूनियर मुन्ना वहां पर जरूर थे लेकिन बाजी मारी प्रकाश मुन्ना ने, बॉल को क्लियर कर दिया और फिर से आगे बढ़ते हुए मैकॉन के खिलाड़ी रोहन के पास बॉल, रोहन ने बॉल को बढ़ा दिया शंकर के लिए, नियंत्रण नहीं कर पाए, बॉल चली गई थी रेहान के पास, आसानी से बॉल को क्लियर। रूनी, रोहन के पास बॉल, रोहन का ये क्रॉस आता हुआ और यहाँ पर पास अच्छा मिला था, थोड़ी सी दूर रह गए। अश्विन पूर्ति का ये क्रॉस फिर से आता हुआ और इस बार भी कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और गोल चली गई धीरे धीरे गोल रेखा के बाहर। सूरज मुंडा वहां पर टैकल कर रहे थे गलत तरीके से अपने, पुलिस मेंस एसोसिएशन झारखंड प्रदेश के और यहां पर बिल्कुल झटका दे दिया है। जी हाँ, क्या शानदार तालमेल दिखाया, यहां पर किक लिया था रोहन ने, बिल्कुल सही दिशा में टच कर दिया बॉल को बाघम ने और पांच हजार विनय जी, 5,000 का भी कर्जा जमा चुके हैं, नगद पुरस्कार, नगद इनाम। और अभी उपस्थित मंच में मंचासीन पुलिस मेंस एसोसिएशन झारखंड प्रदेश के सम्मानित महामंत्री रमेश उरांव जी का अभिनंदन स्वागत। मैं चल पहले कि जूनियर मुंडा के पास बॉल जाती, मंजीत ने बॉल को बीच में
और दर्शकों के लिए एक सूचना कि आप मुख्य पथ पर सड़क में जहां तहां सातीर लोग भी घूम रहे हैं, जिसका सूचना मिली है कि गाड़ी चोरी भी हो चुकी है, आप लोग अपना गाड़ी का ख्याल रखें और गाड़ी पार्किंग में खड़ा करें। 10 रुपया के चक्कर में 1 लाख का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जरूर है, लेकिन रुझान वहाँ पर थे और शंकर ने बोल को बिल्कुल सही अंदाज में टैकल करके अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन बोल को क्लियर कर दिया गया अबू रेहान के द्वारा। और फिर से दाहिने छोर से रोहन और वहां पर बीट कर दिया है, क्रॉस करना चाहते थे लेकिन इस बार सही अंदाज में बोल को दिशा नहीं दे पाए। बिल्कुल साइड में बॉल को बढ़ा दिया, सही पोजीशनिंग थी वहां पर रोहन की। ये क्रॉस आता हुआ फिर से और सीधा गोल। मैं यही चीज बता रहा था, जब ये टीम फाइनल में पहुंचती है तो बिल्कुल अलग ही अंदाज में अपने आप को पेश करती है और वही हो रहा है यहाँ पर। जावेद इकबाल पास बॉल, अच्छी की बॉल क्रॉस कर गई थी टच लाइन को, तो यहाँ पर फिर से रोहन है, दाहिने छोर पर बॉल को बढ़ा दिया रोहित तिग्गा के लिए। और फिर से वापस रोहन के पास, सुंदर पोजीशनिंग रोहन के द्वारा और ये क्रॉस आता हुआ अश्विन पूर्ति, बिल्कुल टच गेम, टच पास रोनी के लिए, बागम है वहां पर, सुंदर वाल खेला है लेकिन वाल सीधा चला गया गोलकीपर के पास। अबू कलाम ने बॉल को कलेक्ट किया और बॉल को बढ़ा दिया कि तो हार भी हरा नहीं सकती, ये है हमारे आवाद अंसारी 47 का अश्विन पूर्ति। लक्ष्मीकांत के पास बॉल, काफी वेट किया बॉल को बढ़ा, वापस किया है सूरज मुंडा को, दीपक तिर्की वाल खेलने की कोशिश थी वहां पर छीन लिया गया, पलटवार कर रहे हैं मेकॉन स्पोर्ट्स। काफी तेजी दिख रही है आज पीले रंग की जर्सी में, कमाल कर रहे हैं, बहुत शानदार। और बॉल मिली भी थी लक्ष्मीकांत को, सही दिशा नहीं दे पाए और एक मौका यहां पर, लेकिन इस बार अब कलाम ने बाजी मारी। सुशील थे वहां पर बीच में आए, रिफ्लेक्ट होकर जरूर बॉल की दिशा में गए थे, लेकिन से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए ये बॉल को बढ़ा दिया है अश्विन पूर्ति के लिए। गोलकीपर के पास बॉल जरूर आई थी लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाए। फिलहाल छोटू के खिलाड़ियों के पास बॉल, दीपक तिर्की काफी तेज गति के साथ, चूंकि हवा के फेवर में है ये किक, तो बहुत तेज गति के साथ बाहर। और फिर से यहां पर तीसरा गोल आता हुआ और इस बार शंकर ने बाजी मारी है, बिल्कुल पहले ही हाफ में अपने नाम कर लिया इस फाइनल को। लक्ष्मीकांत, रोहन, शंकर, ताबड़तोड़ हमला। आसानी के साथ क्लियर किया गया मंजीत के द्वारा और एक क्या यहां पर गोलंदर कम हो सकता है, सो रहे तैयार
ये बॉल दीपक तिर्की के लिए गया था, रणनीति को विफल करते हुए वहां पर प्रदीप तिर्की। अगर शानदार पास यहां पर रूनी के लिए निकाला है अश्विन पूर्ति ने, और क्या लाजवाब बॉडी डोज दिया यहां पर लक्ष्मीकांत ने बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, और रोहन के लिए साइड थोली मारने की कोशिश, ऊंचाई को काफी ज्यादा कर दिया, लाजवाब स्किप। जब फिटनेस हो तो इस तरह की स्किप देखने को मिलते हैं, सही 100% अगर फिट हो तो लाजवाब फुटबॉल देखने को मिलता है। मिला रूनी के पास बॉल, रूनी ने क्रॉस किया है, संकर है वहां पर लेकिन पहुंच नहीं पाए, और बॉल को फिर से क्रॉस किया गया, रोहित तिग्गा वहां पर है, लक्ष्मीकांत है, बॉल को क्लियर किया अरुण ने, और मिनिमम 2 मिनट का शेष पहले आप रखे। सुंदर पास, अच्छा बॉल निकालते हुए उमेश करमाली काफी दूर रह गए। उमेश करमाली बहुत ही शानदार पास निकाला है जूनियर मुन्ना के लिए, लेकिन इस बार कमाल नहीं कर पाए। ये कुछ और संकेत दे रही है, रूनी बहुत ही ज्यादा लॉक किया है अश्विन पूर्ति के लिए, क्या यहां पर एक मौका हो सकता है, विलंब कर बैठे, कल प्रयास करना चाहते थे लेकिन नहीं निकाल पाए बॉल, आबाद अंसारी ने बॉल को, दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत हो चुकी है, शंकर के पास बॉल है, और शंकर ने हालांकि बॉल को बढ़ाया था जरूर, लक्ष्मीकांत थोड़ा सा दूर रह गए, और तब तक अब उपवार करती हुई जैसे सिचुटू की टीम, उमेश करमाली, सोहराय, और छीन लिया गया है फिर से यहां पर वापसी करती हुई मैकोन की टीम, बहुत ही सुंदर बॉल खेला है जूनियर मुन्ना के साथ उमेश करमाली, बहुत ही शानदार बॉल को निकाला था लेकिन कीक में उतना दम नहीं थे, आसानी से कलेक्ट किया रेमन लकड़ा ने, लक्ष्मीकांत, और एक मौका फिर से यहां पर आता हुआ लेकिन इस बार चूक गए, काफी तेज निकल गई लक्ष्मीकांत के पैर से छिटक कर, और तब तक अबू कलाम ने बॉल को क्लियर कर दिया, तो पीले रंग की जर्सी में मैकोन स्पोर्ट्स रांची, लाल और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जेजेसी चूटू, और बहुत ही शानदार पास निकाला दाहिने छोर पर सुशील, पहुंच से बाहर, बहुत ही शानदार पास, क्या ये मौका हो सकता है जूनियर मुन्ना, ऐसी चूक उससे होती नहीं है लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज काफी आक्रामक नजर आ रही है मैकोन स्पोर्ट्स की टीम, और कहीं ना कहीं उसी का फायदा मिला है, 3-0 की बढ़त है टीम के पास फिलहाल। सोहराय बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, दीपक तिर्की के लिए बॉल को बढ़ा दिया है दीपक तिर्की, बीच से पास निकालना चाहते थे लेकिन इस बार चूक गए, और मंजीत ने बॉल को रोक लिया है, एक अच्छा पास आता हुआ फिर से रोहन, मंजीत बहुत तेज गति के साथ ये किक लिए थे और दिशा को सही नहीं रख पाए, बॉल चली गई है गोल, पहले हाफ में हुई थी, दूसरे प्रयास, क्या जबरदस्त किक थी ये, अगर दिशा सही होती तो रेमन लकड़ा को यहाँ पर चौंका देते सोहराय, और इसके बाद आग्रह करना चाहेंगे आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष और भूतपूर्व सैनिक बड़े भाई संजय महतो जी, संजय मुंडा जी, सुरेश बैठा जी को मेमेंटो शॉल और पौधा देकर के सम्मानित करें, स्वागत करें संजय मुंडा जी, सुरेश बैठा जी का स्वागत करेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व भूतपूर्व सैनिक संजय मुंडा जी, सुरेश बैठा जी का अभिनंदन स्वागत,
और उपस्थित मंच में सभी मेहमानों का महाराजा मांदरा मुंडा करना चाहेंगे कि अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें अपने आशीर्वचनों से। और यहां पर चौथा गोल रोहन शानदार भोली जर्सी नंबर 8 में आप देख रहे हैं रोहन को। बहुत बहुत विकास एवं पंचायती राज मंत्री, हम सबों के गार्जियन, अभिभावक माननीय आलमगीर आलम साहब, 30 लोगों का एक टीम है, वो टीम के माध्यम से वो टीम पूरा हमारे नेतृत्व में चलती है और उसी टीम के माध्यम से इतना बड़ा टूर्नामेंट हम लोग प्रत्येक वर्ष, आज तीसरा वर्ष सर। चंदन बैठा जी, नसीम अंसारी साहब, दिलीप साहू जी, हयात अंसारी जी, जब लड़ाई किसी का किसी के बीच में होता है तो एक जीतते हैं और एक हारते हैं। ये जीतना और हारना कोई भी लड़ाई में जिंदगी का एक अंग बना पड़ा होता। हॉकी वगैरह में या क्रिकेट में दुनिया में नाम है झारखंड का। और अक्सर हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सद्दल परगना से, हमारा जो है सबसे पहले, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं रहने के कारण वो खेल नहीं पाते हैं। वैसे नौजवानों को हम लोगों ने रास्ता बनाने के और उनको प्लेटफॉर्म देने की हमारी सोच और विचार है। और इसीलिए जब प्रति कहता हुआ रेमन लखड़ा वहां पर आया और आसानी के साथ कलेक्ट किया बोल को। और रोहन के पास मिला बोल, लंबा पास निकाला है, रोहित है वहां पर, लेकिन रेहान ने सूझबूझ का देते हुए बॉल को बढ़ा दिया। अब उस समा के लिए और इसी के साथ यहां पर फाइनल मैच की समाप्ति होती है और 2023 महाराजा मांदरा मुंडा चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने हैं लगातार दूसरा साल मेकॉन स्पोर्ट्स रांची।